यस मैम। चलो स्टार्ट करो, क्या लिख रहा है? मैसर सागर एग्रो एजेंसीज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड, जल्दी जल्दी देखो। चलो कॉटन कहाँ का है ये देखो पहले, कॉटन कहाँ से मंगवा रहा है? एमपी से फॉर रीसप्लाई, फिर सर्टिफाइड सीड्स, फिर कपास बीज है ना, मेथी, फ्लावर सीड्स, रचका बीज, ये क्या होता है भाई? एक प्रकार का चारा, अच्छा ग्रास, चरोटा, फिर धनिया। चलो खाना ही बना लो आज तो क्लास में तुम लोग, ठीक? यस मैम, कल के लिए आज ही बनाते, न्यू ईयर पार्टी करते हैं आज से, है? हाँ देखो फिर क्या लिखा है इसमें। और तो चलो प्रोफॉर्मा बनाओ जल्दी से। बन गया मैम। बन गया? आज मैडम लेट हो गई ना क्लास में। यस मैम। अच्छा मैम एक और कुछ पूछना है। हाँ पूछो बेटा, जल्दी पूछो। अंजू मैम से बोले तो बोलती है नेट 2 GB वाला भराओ। हाँ तो तुम लोग ठीक है, और यहाँ पे टैक्सेबल लिखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्ट करके रखो सब, ठीक? अब देखो कॉटन इन एमपी कितने का है, देखो 3,62,000 का है, 3,62,500 कॉटन, 3,62,500 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, सर्टिफाइड सीड्स, साथ साथ बनाते चलो सब, है ना, कितने का हो गया, 3,00,000 का हो गया। कॉटन सीड्स है, फिर कपास बीज है ना, कितने का है, 7,00,000। मेथी परचेज्ड फ्रॉम फार्मर्स, 6,00,000 का। फूलों के बीज फ्लावर सीड्स 30,000। फिर रज का बीज कितना दिया, देखो सीड्स हैं, होता क्या है ये रज का बीज, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ भाई, तुम लोग जानते हो कोई? नो मैम, ये चरोटा बीज भी पता नहीं क्या होता है, बताओ तुम लोग ना किसी काम के नहीं हो। 13,000 चरोटा सीड, धनिया तो जानते होगे, धनिया सीड्स, यस मैम, गुड, यस 10,000 है ना। फिर देखो 9th पॉइंट, रेड ड्राई चिल्ली टू रजिस्टर्ड मसाला उद्योग ऑफ महाराष्ट्र। अब इसमें देखो डिफेक्ट चिल्ली को रिटर्न किया गया है, याद रखना है ये पॉइंट, खराब मिर्च वापस आई कितने की, 12,500, और उसका एक क्रेडिट नोट जारी किया गया, ये ओवरऑल था कितने का, 1,17,000 का है ना। रेड ड्राई चिल्ली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो सब किसानों से रिलेटेड है, फार्मर्स से, तो इसमें क्या होगा, जो भी फार्मर्स से रिलेटेड होगा बहुत सारी चीजें टैक्स फ्री हो जाएंगी। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो ऐसा टिपिकल क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए आएगा, गार्लिक फॉर मेडिसिन, देखो दवाई के लिए है, कौन है कि एग्रो एजेंसीज है। अब यहाँ पे देखो लहसुन दवाई बनाने के लिए सप्लाई कर रहा है, इसको क्या मतलब दवाई के लिए सप्लाई कर रहा है, ये तो सप्लाई करने से मतलब है इसको, आ रहा है समझ में? अब सामने वाला उसका कुछ भी करे वो उसके ऊपर। अब देखो कॉटन इन एमपी स्टेट फॉर रीसप्लाई, तो ये हो जाएगा अपना टैक्सेबल। फिर सर्टिफाइड सीड्स है, सर्टिफाइड सीड्स क्या होंगे, टैक्स फ्री की टैक्सेबल, देखो सर्टिफाइड सीड्स प्रमाणित बीज टैक्स फ्री। फिर कॉटन सीड्स ये भी टैक्स फ्री, देखो कॉटन सीड्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स एंड फार्मर्स, कपास बीज तो ये टैक्स फ्री होता है। फिर मेथी परचेज की गई है किससे, फार्मर से, हम परचेज किए हैं तो ये टैक्सेबल, ठीक है, इनको सप्लाई नहीं कर रहा है। फिर फ्लावर सीड्स ठीक है, ये भी टैक्स फ्री, ये रजका चरोटा ये सब टैक्स फ्री। नेक्स्ट देखो धनिया सीड्स सब टैक्स फ्री। फिर ये देखो 9th पॉइंट, रेड ड्राई चिली टू रजिस्टर्ड मसाला उद्योग, उद्योग को दे रहा है ना, तो ये टैक्सेबल पूरा का पूरा। फिर देखो गार्लिक किसके लिए लिए, दवाई के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है, गार्लिक है तो टैक्स फ्री। आ रहा है समझ में?
टोटल टर्नओवर करोगे कितना हो जाएगा, 22,20,500। किसी को डाउट है तो पूछो पहले जल्दी से। बताओ टोटल आया सबका। नेहा यस मैम कर रही बस। यस मैम आ गया। और किसका आया, पूनम, अपूर्वा करो टोटल कितना आ रहा है, इसका करो टैक्सेबल वाले का। मैम 1,079,500। 1,079,500 गुड। यस मैम आ गया। ये ना मैं कितना टाइम हो गया ना तुम्हारी क्लास, लेस करो डिडक्शंस, ठीक है। तो जो ये जो चिल्ली वाला था ये देखो 12,500 का, ये जो वापस आया था ये देखो, ये टैक्स फ्री था ना, सॉरी टैक्सेबल था ना ये वाला अमाउंट, ये देखो रेड ड्राई चिल्ली वाला, आ रहा है समझ में? यस मैम। देखो माइनस करो कितना रेड चिल्ली पाउडर का जो क्रेडिट नोट इशू हुआ था गुड्स रिटर्न कितने का, बारह पांच सौ का, कितना आया टोटल देखो टैक्सेबल टर्नओवर 10,67,000। अब नोट पे लिखना तुम लोग सभी प्रकार के, देखो ऊपर लिख रही हूं दिख रहा है क्या, सभी प्रकार के बीज एवं लहसुन, ठीक है लिखो कर मुक्त माल है, ऑल सीड्स है ना लिखो, ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स एंड गार्लिक्स आर टैक्स फ्री, ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स एंड गार्लिक्स आर टैक्स फ्री, ठीक है यहाँ तक क्वेश्चन आया समझ में? यस मैम लिख ली। देखो एक क्वेश्चन ऐसे ही शेयर कर रही हूँ मैं, पर्टिकुलर प्रोफॉर्मा बना लो जल्दी से, यहाँ पे एग्रीगेट लिख लो, यहाँ टैक्सेबल लिखो, ठीक है मैं सिचुएशन ऐसे बताते जा रही हूँ जल्दी जल्दी। जैसे सपोज फर्स्ट है पॉइंट है ब्रेड है, मेरे को बताना किसमें आएगा किसमें नहीं आएगा, यहाँ नहीं लिखूंगी मैं, तुम लोग नोट करना। अब मैं बस पॉइंट यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, बताना किसमें आएगा। सपोज ब्रेड है, इसमें ब्रैकेट में लिखा है पॉपुलर ब्रांड, ठीक है बताओ टैक्सेबल है कि नहीं है? टैक्सेबल है मैम। नहीं टैक्स फ्री, ब्रेड वगैरह टैक्स फ्री। अब बोलोगे ब्रांडेड वगैरह तो टैक्स फ्री टैक्सेबल होता है, ये पॉपुलर ब्रांड, अबे ये तो क्या बोलते तुम लोग, अगर सत्यम बेकरी जाओगे लेने और सत्यम ब्रांड लिखा होगा तो क्या वो ब्रांडेड हो गया क्या ब्रेड, बताओ? नहीं ना, वो तो उसकी शॉप का नाम के अकॉर्डिंग है ना, वैसी ब्रेड वही सब, तो ये सब टैक्स फ्री। आ रहा है समझ में? यस मैम। चलो अमाउंट लिखते चलो, मैं बता रही हूँ ये टैक्स फ्री है तो टैक्स फ्री में करना है इसको। नेक्स्ट देखो बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स क्या होगा, टैक्सेबल होगा कि टैक्स फ्री होगा, जल्दी बताओ। टैक्स फ्री मैम। टैक्सेबल बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स, चॉकलेट्स सपोज डेयरी मिल्क वगैरह रही तो टैक्स तो रहती है ना बेटा उसमें। यस मैम रैपर लिखा रहता है रैपर। हाँ फिर देखो देसी घी ब्रैकेट में लिखा है रजिस्टर्ड ब्रांड है ना, प्योर घी हिंदी में और रजिस्टर्ड ब्रांड लिखा है, क्या होगा टैक्सेबल की टैक्स फ्री? टैक्सेबल मैम। टैक्सेबल रहेगा। कितना अमाउंट इसका, 18,000।
ठीक है। फिर फोर्थ है देखो एग्स, क्या होगा अंडे, टैक्सेबल टैक्स फ्री बताओ, अमाउंट लिखते चलो, ये क्वेश्चन मैं फिर शेयर नहीं करूंगी कभी। फिर बीटल लीव्स, क्या बोलता है बीटल लीव्स मतलब पान। फिर मेवे मींस ड्राई फ्रूट्स, बताओ ड्राई फ्रूट्स टैक्सेबल होता है कि टैक्स फ्री? टैक्स फ्री, टैक्सेबल, ड्राई फ्रूट्स टैक्सेबल रहेंगे बेटा, याद रखना ठीक है। ये बीटल लीव्स पान पत्ते ये टैक्स फ्री, ये भी टैक्स फ्री रहेगा एग्स। हाँ बोलो पूनम, नेहा कुछ बोल रही थी। एग्स मैम टैक्स फ्री है। हाँ मिश्री ब्रांडेड होते हैं क्या एग्स, बताओ तो। मिश्री बताशे टैक्सेबल होगा टैक्स फ्री होगा बताओ? टैक्स फ्री, टैक्सेबल लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उल्टा उल्टा बोल रहे हो। फिर अमाउंट भी लिखते जा रही हूँ। फिर देखो ताज़ा दूध दही, मिल्क एंड कर्ड, फ्रेश, ताज़ा है ना, फ्रेश लिखा है मीन्स ताज़ा, तो 20,000 का ये हो जाएगा टैक्स फ्री ठीक है। नेक्स्ट देखो अमूल का, अगर ले रहे हो अमूल बटर एंड मिल्क, टैक्सेबल है कि टैक्स फ्री है? टैक्सेबल, अमूल का टैक्सेबल। नेक्स्ट देखो सांची दूध है ना, सांची मिल्क ठीक है, पेस्टराइज्ड मिल्क मतलब ये हिंदी में लिखा है देखो पेस्टराइज्ड का, ये होगा आपका टैक्स फ्री, याद रखना। समझ में आया? इतने पॉइंट्स थे, पूरे अमाउंट लिखे हैं मैंने। क्या देखो एग्रीगेट में तो पूरा लिखोगे और टैक्सेबल वाले में सिर्फ, तो मैं देखो ये 360,000 वाला फर्स्ट ये टैक्स फ्री था, बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स ये आपका टैक्सेबल था, ये देसी घी भी आपका टैक्सेबल था, और बाकी सब तो मैंने लिख दिया कौन सा टैक्स फ्री है कौन सा टैक्सेबल है। क्वेश्चन में बोल रहा है पैकिंग में सप्लाई किए गए माल पर पूर्तिकर्ता ने 8,000 रुपए व्यय किए जो कि उपरोक्त पूर्ति मूल्य में शामिल है, तो पैकिंग चार्जेस क्या बोल रहा है इसमें शामिल है, इंक्लूडेड है, तो आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेवों की पूर्ति में पृथक से व्यय वसूल किया गया, सुपुर्दगी व्यय 500 रुपए शामिल है, डिलीवरी चार्जेस 500 रुपए ड्राई फ्रूट्स पे, तो ऐड करोगे जितना भी आपका टोटल आएगा उसमें ऐड करना डिलीवरी चार्जेस 500 रुपए। नेक्स्ट देखो देसी घी पर 1500 रुपए बट्टा नगद में भुगतान प्राप्त होने पर दिया गया, कैश डिस्काउंट ऑन घी, तो देसी घी मैंने टैक्सेबल बताया है देखो यहाँ पे 18,000 का, तो इसलिए इसका कैश डिस्काउंट आएगा कितने का, 1500 का माइनस नकद बट्टा, ये प्लस, और ये जो आपका अमाउंट लिखा है इसमें टैक्सेबल वाले का टोटल करोगे तो आएगा आपका 1,23,500, उसमें 500 और ऐड करोगे तो हो जाएगा 1,24,000, 1,500 नकद बट्टा दोगे तो हो जाएगा 1,22,500 टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये था आपका क्वेश्चन, आ रहा है समझ में? कहीं डाउट है किसी पॉइंट में पूछो जल्दी से। हाँ बोलो मैम, सांची मिल का अमाउंट कितना है? अच्छा हाँ नहीं लिखा है मैंने इसका, 2,20,000 ये टैक्स ठीक। और किसी को कोई डाउट? नो मैम ठीक है।